नमस्कार, मैं रितेश कुमार। आज हम महिंद्रा स्कॉर्पियो एन के 4 निगेटिव और 4 पॉजिटिव पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, स्कॉर्पियो जब से मार्केट में आया तब से लगभग सभी के दिलों पे राज करता है, और फिलहाल में अभी स्कॉर्पियो एन लॉन्च हुआ है जिसमें 5 मॉडल देखने को मिलता है, Z2, Z4, Z6, Z8 और Z8 लग्जरी एडिशन। तो सबसे पहले इसके निगेटिव पॉइंट्स के बारे में बात कर लेते हैं। पहला निगेटिव पॉइंट इसके सेफ्टी रिलेटेड है। महिंद्रा ने इसमें ESP एंड रोल ओवर मीडिएशन और हील होल्ड कंट्रोल प्लस हील डिसेंट कंट्रोल और डिस्क वाइपिंग, इन सभी चीजों को बेस मॉडल से नहीं दिया है, जो कि काफी बड़ा निगेटिव पॉइंट है। कम से कम महिंद्रा को ये जो सेफ्टी फीचर्स है इसको बेस मॉडल से ही देना चाहिए। इसके जगह पर भले ही कुछ कॉस्मेटिक चीज जो आते हैं या कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स हैं उसे भले ही कम कर दें, लेकिन ये सब सेफ्टी फीचर्स बेस मॉडल से ही देना चाहिए था। और ये सब जो सेफ्टी फीचर्स हमने आपको बताया, ये Z4 के केवल ऑटोमेटिक वेरिएंट से मिलता है। उसके बाद जितने भी अपर वेरिएंट है उसमें आपको मैनुअल में भी अवेलेबल हो जाता है, और Z4 के केवल ऑटोमेटिक वेरिएंट में मिलता है। इसका मतलब अगर आप इसके Z4 के 4-व्हील ड्राइव वाले मॉडल के साथ जाना चाहेंगे तो उसमें आपको ये सब सेफ्टी फीचर्स देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि Z4 में केवल मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ में ही 4-व्हील ड्राइव अवेलेबल है। तो यह पहला निगेटिव पॉइंट हो गया। और दूसरा निगेटिव पॉइंट है कि इसमें आपको डिफरेंशियल लॉक देखने को नहीं मिलता है और न ही ब्रेक लॉक डिफरेंशियल देखने को मिलता है। यह केवल आपको इसके 4-व्हील ड्राइव मॉडल के साथ में देखने को मिलेगा, वो भी Z8 और Z8 लग्जरी के साथ में। मान लो आप इसका Z4 4-व्हील ड्राइव वाला मॉडल भी लेते हैं तो भी आपको उसमें डिफरेंशियल लॉक और ये ब्रेक लॉक डिफरेंशियल ये सब देखने को नहीं मिलेगा। जब महिंद्रा ने इसे बिग डैडी ऑफ SUVs बोला है तो कम से कम महिंद्रा को इसके सभी मॉडल में डिफरेंशियल लॉक देना चाहिए था, जबकि जो बुलेरो है शायद उसमें भी आपको सभी मॉडल्स में डिफरेंशियल लॉक देखने को मिलता है। तो यह एक दूसरा निगेटिव पॉइंट हो गया। और तीसरे निगेटिव पॉइंट्स की बात करें तो इसके सभी मॉडल में आपको जिप जैप जूम मोड देखने को नहीं मिलता है, यह केवल आपको 2-व्हील ड्राइव वाले मॉडल में देखने को मिलेगा, वो भी डीजल के साथ में, और ये भी आपको बेस मॉडल से देखने को नहीं मिलता है। यह Z6, Z8 और Z8 लग्जरी एडिशन में ही मिलता है। तो मुझे लगता है कि ये तीनों मोड को भी 4-व्हील ड्राइव वाले मॉडल के साथ में भी देना चाहिए था। आपको क्या लगता है आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और चौथा निगेटिव पॉइंट मुझे जो लगा है वो है इसका सनरूफ। हालांकि इसमें छोटे साइज में सनरूफ आता है जो कि आपको Z6 से देखने को मिल जाता है, लेकिन इसमें पैनारोमिक सनरूफ देना चाहिए था जो कि काफी अच्छा लगता है। तो इतना कुछ निगेटिव पॉइंट है जो मुझे स्कॉर्पियो के रिलेटेड लगा। अगर इसके पॉजिटिव पॉइंट्स की बात करें तो इसमें आपको बहुत सारे पॉजिटिव पॉइंट्स देखने को मिल जाएंगे, लेकिन हम अभी फिलहाल 4 पॉजिटिव पॉइंट्स के बारे में ही बात करेंगे जो कि हमने ऑब्जर्व किया है। पहला पॉजिटिव पॉइंट है कि इसमें आपको बेस मॉडल से ही चारों व्हील्स में वेंटिलेटेड डिस्क ब्रेक देखने को मिल जाता है, और आपको चारों व्हील्स में ही ABS प्लस EBD का सपोर्ट भी देखने को मिल जाएगा, जो कि बहुत से कारों में ये सब चीज मिसिंग होता है, जो कि महिंद्रा ने अपने इस स्कॉर्पियो एन में दिया है, जो कि वाकई में काफी अच्छी बात है। और दूसरा पॉजिटिव पॉइंट है कि इसमें आपको Z4 से ही, मतलब सेकेंड मॉडल से ही 4-व्हील ड्राइव का ऑप्शन अवेलेबल हो जाता है। हालांकि इसके अपर मॉडल Z6 में ये अवेलेबल नहीं है, लेकिन अगर आपको कम बजट में 4-व्हील ड्राइव वाला मॉडल चाहिए तो आप इसके Z4 वेरिएंट के साथ में जा सकते हैं, जिसमें आपको 4-व्हील ड्राइव वाला वेरिएंट मिल जाएगा। हालांकि यह केवल मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ में ही मिलता है, और शायद अभी मार्केट में थार और गुरखा इन जैसे गाड़ियों को छोड़ दें तो उसके अलावा केवल अभी स्कॉर्पियो ही है जो आपको 4-व्हील ड्राइव मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ में भी दे रहा है। और इस प्रकार के गाड़ियों को मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ चलाने का अलग ही मजा होता है, जो कि आपको किसी और गाड़ी में अभी देखने को नहीं मिलेगा। तो यह एक बहुत बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है। और इसमें सिलेक्टेबल टेरेन मोड देखने को मिल जाता है, जो कि नॉर्मल स्नो, मड एंड सैंड ये मोड्स दिया हुआ है। हालांकि यह केवल 4-व्हील ड्राइव के साथ में ही आता है। और इसका जो Z4 4-व्हील ड्राइव वाला मॉडल है, इसका एक्स शोरूम प्राइस 16,44,000 है। तो इस प्राइस रेंज के हिसाब से भी यह एक काफी अच्छा ऑप्शन हो जाता है थार और गुरखा के मुकाबले। और तीसरा पॉजिटिव पॉइंट है इसका इंजन। इसमें आपको पेट्रोल और डीजल दोनों इंजन देखने को मिल जाता है, और महिंद्रा डीजल इंजन तो काफी बेहतर बनाता ही है। इसके अलावा महिंद्रा के जो पेट्रोल इंजन आते हैं ये भी काफी पावरफुल होते हैं, जैसे कि इसी में आप देख सकते हैं इसमें 2 लीटर का 4 सिलेंडर टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन देखने को मिल जाता है, जो कि 200 BHP का पावर प्रोड्यूस करता है, जो कि अपने आप में काफी अच्छी बात है। और पेट्रोल इंजन में ही 370 न्यूटन मीटर का टॉर्क मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ में और 380 न्यूटन मीटर का टॉर्क टॉर्क कन्वर्टर के साथ में देखने को मिल जाता है, जो कि अभी फिलहाल मार्केट में जितने भी पेट्रोल इंजन है उससे लगभग पावरफुल पेट्रोल इंजन ही इसमें मिलता है।
और इसमें आपको दूसरा इंजन देखने को भी मिल जाता है जो कि 2.2 लीटर का फोर सिलेंडर टर्बोचार्ज डीजल इंजन है। और इसी सेम डीजल इंजन में दो पावर कॉन्फ़िगरेशन देखने को मिल जाता है, एक है जिसमें आपको 130 bhp का पावर मिलता है और 300 न्यूटन मीटर का टॉर्क देखने को मिल जाएगा जो कि आपको बेस मॉडल में देखने को मिलेगा। और दूसरा पावर कॉन्फ़िगरेशन है जिसमें 172 bhp का पावर देखने को मिलता है 35 जनरेटेड rpm पर और इसी में ही 370 न्यूटन मीटर का टॉर्क मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ में और 400 न्यूटन मीटर का टॉर्क टॉर्क कन्वर्टर के साथ में देखने को मिल जाता है। तो पावर के मामले में यह स्कॉर्पियो एन आपको कभी भी निराश नहीं करेगा। यह हो गया इसका तीसरा पॉजिटिव पॉइंट। और चौथा पॉजिटिव पॉइंट की बात करें तो यह साइज में काफी बड़ा है जिसकी वजह से इसके अंदर आपको काफी अच्छा कंफर्ट देखने को मिल जाता है और इसका जो ड्राइविंग सीट है ये काफी हाई कमांडिंग पोजीशन में इंस्टॉल किया हुआ है जिसकी वजह से आपको काफी अच्छा ड्राइविंग प्लेजर मिल जाएगा। और इसका जो थर्ड रो है उसको पहले जो साइड में होता था उसे नॉर्मल जैसे सफारी में आते हैं उस प्रकार से कर दिया है जिसकी वजह से अब थर्ड रो में भी आपको सीट बेल्ट देखने को मिल जाएगा जो कि एक सेफ्टी पर्पस के हिसाब से काफी सही महिंद्रा ने इसमें किया है। तो हमारे हिसाब से इतने पॉजिटिव और इतने निगेटिव पॉइंट स्कॉर्पियो एन में हमें लगे और आप इन पॉइंट से कितने एग्री करते हैं आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और साथ ही साथ आपको ऐसा कुछ लगता है जो कि इसका निगेटिव पॉइंट और पॉजिटिव पॉइंट होना चाहिए था उसे भी आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो चलिए आते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।